उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का उन्हें दौरा करना है और इस बीच आज गोरखपुर से सटे महाराजगंज वो पहुंचे। महाराजगंज में योगी ने 11 अफसरों को सस्पेंड किया है, 7 अफसरों के तबादले का ऐलान योगी की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अब चेतावनी देने का मौका गया, एक्शन का वक्त आ गया है और इसी वजह से ये बड़ा एक्शन इन अफसरों पर किया गया है। एसडीएम डॉक्टर थाना प्रभारी पर योगी आदित्यनाथ ने ये एक्शन लिया है। तो आपको बता दें कि योगी ने एक्शन के बाद कहा चेतावनी का वक्त खत्म, सिर्फ कार्रवाई होगी और अभी कई अधिकारी भ्रष्टाचार के काम में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। योगी ने महाराजगंज की यात्रा पर पुलिस थाने का, अस्पताल का निरीक्षण भी किया और यही उनका कार्यक्रम भी है। एक महीने में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाएंगे, निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज में योगी ने 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। एसडीएम इसमें डॉक्टर हैं, थाना प्रभारी भी शामिल हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ अफसरों का तबादला योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर से सटा हुआ महाराजगंज जहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और आगे बढ़ते हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो ये कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में बदमाशों में कानून का, पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं बाकी है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बलिया में 11वीं की छात्रा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने लड़के से बात करने से मना कर दिया और ऐसे में योगी सरकार की कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी हुई है। ये तस्वीर बलिया की उस बेटी रागिनी की है जिसकी बीच सड़क पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। 11वीं में पढ़ने वाली रागिनी अपनी बहन के साथ 8 अगस्त को स्कूल जा रही थी। आरोप है कि उसी दौरान रास्ते में इन दो बदमाशों ने रागिनी की हत्या कर दी। इस वक्त खड़ा हूँ बलिया के बझा गांव में और ये वो घटना स्थल है जहाँ पे रागिनी की गला काटकर हत्या की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो थोड़ा सा डार्क स्पॉट है ये खून था लेकिन बारिश की वजह से हल्का सा भी यहाँ पे जो खून का धब्बा है वो थोड़ा साफ सा हो गया है। लेकिन ठीक इसी जगह पर जब रागिनी नाम की छात्रा अपने घर से निकल कर स्कूल जा रही थी तो बाइक पर आए प्रधान के बेटे ने पहले उसको धक्का मार के साइकिल से गिराया और उसके बाद पहले गला काटा और गला काटने के बाद जब उसका मन नहीं भरा तो शरीर पर चाकुओं से कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी। रागिनी की बहन नेहा कह रही हैं कि हत्या करने के लिए प्रिंस को उसके पिता कृपा शंकर तिवारी ने हथियार दिए थे। कृपा शंकर प्रधान है जिसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है क्योंकि अभी तक 3 आरोपी फरार हैं और मेन जो उसके साथ कत्ल में शामिल था वो लड़का फरार है। अभी तक ग्राम प्रधान को अभी तक नहीं पकड़ा जिसने चाकू फेंक के अपने लड़के को दिया था मर्डर करने के लिए। ये पूरा मामला वाराणसी से 150 किलोमीटर दूर यूपी के बलिया जिले के बझा गाँव का है। रागिनी के पिता बताते हैं कि पुलिस को पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन पुलिस की लापरवाही ने उनकी बेटी की जान ले ली। पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, गिरफ्तारी हो समय से। अरे हमें न्याय चाहिए, हमारा नुकसान हुआ है, मान लीजिए उनको सजा मिलेगी तभी हमको न्याय मिलेगा। पुलिस के मुताबिक घटना के 8 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी प्रिंस और राजू को गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी आरोपी भी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।